न हर जिंदगी को तू तलाश कर नई जहां, अभी बहुत है सिलसिले के मंजिलों को पाए जा। और प्रोग्राम सिलसिला में एक नए सिलसिले के साथ मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिलकश सफर पर। गुड़गांव में जानी मानी शख्सियत, गायक, गीतकार और अभिनेता मकसूद महमूद अली उर्फ लकी अली के नाम एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर मजा लिया। तो आइए देखते हैं एक शाम लकी अली के नाम। लकी अली को अपने मखसूस अंदाज के लिए जाना जाता है। न तुम जानो न हम गीत गाकर लकी अली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लकी अली के गीतों में जहां एक तरफ मिठास है, वहीं वो युवा दिलों की धड़कन भी है। लकी अली नई धुनों के साथ प्रयोग करने में भी गुरेज नहीं करते, और यही देखने को मिला इस हसीन शाम में।
दिल्ली के श्रीराम सेंटर में मशहूर रंगकर्मी डॉक्टर एम सईद आलम के निर्देशन में गालिब के खत उनवान से एक नाटक का मंचन किया गया, जिसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया, जो एक यादगार लम्हा था जिसमें हिंदी सिनेमा के मशहूर अदाकार टॉम ऑल्टर ने भी हिस्सा लिया। सोमवार 27 दिसंबर मैं मिर्जा गालिब से तो खुदा मिर्जा तख्ता से। मशहूर रंगकर्मी डॉक्टर एम सईद आलम के निर्देशन और लेखन में गालिब के खत नाटक का ये खूबसूरत मंजर उर्दू के मशहूर और अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान बेग उर्फ मिर्जा गालिब की जिंदगी की हकीकत और उनके नजरिए को उनके खतों के जरिए पेश करता है। अपने बाप की जायज औलाद है या किसी अंग्रेज की? चुप जा, बेजा बहुतान लगाती है, चल शिकायत कर। असली कायस्थ है बाप का नाम मोतीलाल, खूब जायदाद बनाई, खूब बच्चे पैदा किए, ऊपर वाला जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे महरूम रखे। मैं दुनिया जहां से रूठूं, असदुल्ला खान से ना रूठूं, अपने भगवान से रूठूं, गालिब मेहरबान से ना रूठूं, कुफ्र व ईमान से रूठो, उस्ताद जीशान से ना रूठो। जब से दोनों जवान बच्चे मेरी दुनिया से गए, मैं हूं, मेरा कलम है और आपका तसव्वुर। आप खत के भरोसे जीते हैं, मैं सिर्फ आपके खत के भरोसे जीता हूं। नाटक की शुरुआत मिर्जा गालिब की बेगम साहिबा और उनके घर की नौकरानी के आपसी संवाद से होती है, जो मिर्जा गालिब और उनकी बेगम साहिबा के बीच पैगाम पहुंचाने का जरिया है। बहुत बहुत अहम बात है और वो ये है कि गालिब की बीवी को पहली बार किसी भी प्रेजेंटेशन में, ख्वाह वो फिल्म हो, ख्वाह वो सिनेमा हो, ख्वाह वो थिएटर हो, उनका जायज़ हक दिया गया, वरना आमतौर पे वो मजाक का निशाना बन के रह जाती हैं। लबे बाम, लबे फर्श, लबे गोर, लबे चाह, लबे दरिया, लबे साहिल के मानी किनारे के हैं। लबे बाम उस मुकाम को कहते हैं जहां से एक कदम आगे बढ़ाइए तो धम से आंगन में आइए। लबे दरिया उसे समझिए जहां से कदम बढ़ाइए तो पानी में जाइए। लबे साहिल वो हुआ जहां से आगे बढ़िए तो दरिया में गिरिए। बेगम अब पर्दा उठा दीजिए। बताइए, जितनी मोटी बहने उतना ही मोटा पर्दा। आइए आइए, तशरीफ रखिए सर, आइए। आइए सर, क्या खिलाते हैं? खिला खिला के मोटा कर दिया इन्हें, अपना खाना भी इन्हीं को खिला देते हैं क्या? हमें देखिए, जितना हम खाते हैं उतना इनको भी खिलाते हैं। तशरीफ रखिए हुजूर, तशरीफ रखिए, हम तो रख ही रहे हैं, आप भी इधर हो जाइए, तशरीफ रखिए, बैठ बैठ, शुक्रिया। ए साहब, ये क्या पुलिंदा लिए फिर रहे हैं? ये देखिए मिर्जा गालिब अपनी अहलिया के बारे में क्या फरमाते हैं। ना ना ना, ये मुनासिब नहीं साहब। साहब, मिर्जा गालिब ने आपको उनके खुतूत सिर्फ जमा करने की इजाजत दी है, ना कि जा बजा सुनाने की। मैं अपने दादा का खत अपनी दादी के बारे में काले चोर को सुनाऊं, आपका क्या जाता है?
काला चोर थोड़ा गोरा। मिर्जा गालिब ने तकरीबन 800 खत लिखे जिन्हें मैन ऑफ लेटर्स के नाम से उर्दू अदब में जाना और पहचाना जाता है, और इस नाटक में इसी की झलक को पेश किया गया। तफ्ता साहिब, तुम्हारा खत आया, मैंने अपने सब मतालिब का जवाब पाया। उमराव सिंह के हाल पर उसके वास्ते मुझको रहम और अपने वास्ते रश्क आता है। अल्लाह अल्लाह, एक वो है कि दो बार उनकी बेड़ियां कट चुकी हैं, और एक हम है कि एक ऊपर 50 बरस से जो फांसी का फंदा गले में पड़ा है, तो ना फंदा टूटता है न दम निकलता है। उसको समझाओ कि तेरे बच्चों को मैं पालूंगा, तू क्यों बला में फंसता है। दफ्ता साहिब, हाय क्या बुरी कॉपी है, अपने अशार और इस कापी की मिसाल जब तुम पर खुलती कि तुम यहां होते और बेगमात अल्लाह को फिरते चलते दिखते। सूरत माहे दो हफ्ता की सी, और कपड़े मैले पाइंचे ली ली जूती टूटी। इस नाटक का खास पहलू यह है कि पूरे नाटक में गालिब को कहीं नहीं दिखाया गया है। इसमें उन लोगों के तासुरात हैं जिन्हें गालिब ने ये खत लिखे थे। सुबह के बैठने का हुजरा झुक रहा है, छतें छलनी हो गई, नी घड़ी भर बरसे तो छत घंटा भर बरसे, फर्श पर कहीं लगन रखा हुआ कहीं चिलमची धरी हुई, खत कहां बैठ कर लिखूं, मैं भूला तो नहीं तुझको है मेरी जान, करूं क्या कि यहां गिर रहे हैं मकान। गरज के अपने मकान में बैठा हूं, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, सवार होना और कहीं जाना तो बड़ी बात है, रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे, घर के घर बेचराग पड़े हैं। और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए प्रोग्राम सिलसिला। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में मशहूर डोगरी कवित्री और हिंदी लेखिका पद्मा सचदेव द्वारा लिखित किताब ऐसा कहां से लाऊं का लोकार्पण किया गया, जिसमें संगीत जगत की स्वर कोकिला और मशहूर गायिका लता मंगेशकर की जिंदगी को पेश किया गया है। इस खास मौके पर कई जानी मानी शख्सियतें मौजूद थीं। स्वर साम्राज्ञी की स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर के संस्मरण, विमर्श और साक्षात्कारों पर केंद्रित पुस्तक ऐसा कहां से लाऊं का लोकार्पण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह और दीगर लोगों की मौजूदगी में किया गया, और इस किताब को कलमबद्ध किया डोगरी कवित्री और हिंदी साहित्य में खास मकाम रखने वाली पद्मा सचदेव ने। 60-65 वर्ष से उनके गाने हम सुनते जा रहे हैं, और कैसी आवाज दी है भगवान ने उनको कि कभी उनको सुनते सुनते आदमी उठता नहीं, वह कहता सुनते ही रहो, ऐसी सरस्वती
माँ सरस्वती की कृपा उन पे है। मैंने एक बार दादा जी कहा, इनका आपने जितने गाने गाए हैं उसमें अगर मुझे एक चुनना हो तो मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। कहने लगे, कौन सा चुनोगे? रसिक बल्लभ, शुद्ध भोपाली में है और इतना सुंदर गाना है, यानी विरह का इतना सुंदर गाना मैंने कभी सारी उम्र में नहीं। हमारी पद्मा जी जो है ये साधारण देविका नहीं है, ये भी 50 वर्ष से दिख रही है और क्या क्या इन्होंने कष्ट नहीं भोगे, क्या क्या इन्होंने दुनिया के अलग अलग दृश्य नहीं देखे, लेकिन ये लगी है। और डोगरी में तो इनका बहुत ऊंचा स्थान है, डोगरी कवियत्री में इनका एक अद्भुत स्थान है, द्वितीय स्थान है। पद्मा जी के साथ एक चीज बहुत अद्भुत है और उसे समझना चाहिए। पहला तो वो खुद लोकगीत की गायिका हैं, एक रचनाकार हैं। एक और बात कि वो जो हमारी पद्मा जी हैं, जैसा बताया गया, आकाशवाणी में थी और उद्घोषक थी, तो उनकी आवाज़ को एक पहचान आकाशवाणी ने भी दी। और शायद इसी का फल था कि लता जी इस बात के लिए आकृष्ट हुई और उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम को पद्मा जी से कंडक्ट कराया। एक जगह वो कहती हैं कि पद्मा देखो, माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि मरना जीना, मगर अपने स्वाभिमान को कभी साथ में नहीं छोड़ना। और एक काम और करना, कितने भी कष्ट आ जाएं भीख नहीं मांगना और चोरी नहीं करना। उन्होंने एक जगह कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतवर्ष जैसे महान देश में पैदा हुई हूँ। ये आशा भोसले का स्वर अगर जिंदगी है तो लता मंगेशकर का स्वर उसकी रूह और आत्मा है। लता जी ठहरी हुई गहरी झील है तो आशा दीदी हिमालय से गिरता जलप्रपात है। गालिब का एक शेर है, आई ना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। तो ये ऐसा कहाँ से लाऊं, मैंने वहीं से लिया। लेखक के तौर पे मैं समझती हूँ कि वो एक साधारण सी सादा सी लड़की हैं जिनको भगवान ने गला दिया है। दिनकर जी कहते थे जब तक वो साधारण है तब तक ही वो इतनी बड़ी गायिका है। उनके गीत मुझे सभी पसंद हैं, पर एक गाना था, कटते हैं दुख भरे दिन पहलू बदल बदल के, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी कई गाने हैं, देखिए उनकी गानों के साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जैसे हमारा बचपन जुड़ा है, फिर हम जैसे जवान हुए, जवानी जुड़ी है, उसके बाद कितनी मोहब्बतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कितनी ज़िंदगी के और रोने के, हंसने के, चुप बैठने के, कितने वो बाहर गई जब लड़ाइयाँ हुई तो फौजियों से मिली, वहाँ से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो एक एक लम्हा हमारा उनके गानों से जुड़ा हुआ। इस खास मौके पर साहित्य, कला एवं संस्कृति जगत के कई जाने माने लोगों ने लता मंगेशकर को याद करते हुए पद्मा सचदेव के साथ उनके संबंधों पर, उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर चर्चा की।
दिल्ली के मेघदूत थिएटर में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ने इप्टा के माध्यम से अजीज कुरैशी के निर्देशन में नाटक अनारकली अकबर सलीम का बहुत खूबसूरती से मंचन किया गया, जिसमें पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और औरत की समस्याओं को रेखांकित किया गया और इस नाटक की थीम रही ऑनर किलिंग। ओए ओए अहमक, ये क्या कर रहा है तू? बाबा मैं तो सिर्फ दिया जलाना चाहता हूँ अनारकली की कब्र पर, लेकिन कब्र कहाँ है? अनारकली की कहानी मुगल काल की एक बेहद मशहूर मारूफ कहानी है। अजीज कुरैशी के निर्देशन में बने इस नाटक की शुरुआत एक टूरिस्ट के अनारकली के मजार पर पहुँचने के साथ होती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि अनारकली दीवार में चुनवा दी गई थी। बाबा मैं तो सिर्फ दिया जलाना चाहता था अनारकली की कब्र पर, दुआ मांगनी चाहता था। यहाँ दुआएं मांगी जाती है कहीं? है दुआ नहीं मांगी जाती, लेकिन बाबा मजार पर तो मन्नतें मांगी जाती है, दुआएं मांगी जाती है, और मैं तो सिर्फ ये। एकदम पागल है तू, अगर दुआओं में असर होता तो क्या अनारकली दीवार में चुनवा दी जाती? अनारकली की माँ ने, उसकी बहन तुरैया ने, अरे कितनी दुआएं मांगी और वो क्या दीवार में चुनवा दी गई बेचारी। नाटक में सलीम अनारकली के प्रेम प्रसंग और फिर शाही खानदान में एक साधारण परिवार की लड़की को ना शामिल करने का विरोध साफ नजर आता है। अगर हो गया तो जमीन अपना मुंह फाड़ देगी, आसमान अपना चंगुल बढ़ा देगा। ये खुशी दुनिया की बर्दाश्त से बाहर है। नहीं समझ सकते। और अनारकली के बिना दबाव डालना अच्छा नहीं मालूम होता महाराज। जबरदस्ती क्यों जाहिर हो? इलाज के बहाने रोक लिया जाए और जश्न के बाद रुक सकते। बेबाक औरत और जिंदान में डाल दो। सिलेलाही, मेरी बच्ची, आपको खुदा का वास्ता, सिलेलाही, मेरी बच्ची। खामोश। क्या हुक्म दे दिया आपने? एक लफ्ज नहीं, खबरदार, एक लफ्ज नहीं। ये नाटक एक सामाजिक संदेश देता है, जिसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि अनारकली की मौत दरअसल ऑनर किलिंग का ही एक रूप थी। दोनों में से महबूब को पसंद किया। आप इतने खुदगर्ज हो गए, अपनी अना के गुलाम हो गए। बादशाह अवाम और रियाया का सरपरस्त होता है। इस कहानी के जरिए अजीज कुरैशी ने समाज में पनपते ढोंग और अपनी इज्जत के लिए हस्ती खेलती जिंदगी को खामोश कर देने के वाकये को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से पेश करने की कामयाब कोशिश की है। और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी भवन में युवा कलाकार पीके रॉय की मॉन्यूमेंट्स ऑफ फरुखनगर पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में फरुखनगर, पुरानी इमारतों और उनके अवशेष पर आधारित चित्रकला प्रदर्शित की गई। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार sisla.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं facebook.com/sisla on rajyasabha tv के जरिए। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।